से नहीं चल सकी। विपक्ष और सत्ता पक्ष में जो जोरदार भिड़ंत हो रही है मणिपुर के मसले को लेकर, चर्चा के मसले को लेकर, वो आप देख ही रहे हैं लगातार। मैं आम लोगों के बीच से माहौल क्या है करने की कोशिश करता हूं। अब तक आपने मुझे दिल्ली में लोगों से बातचीत करते देखा, अब मैं दिल्ली से थोड़ा दूर गाजियाबाद के एक निवाड़ी कस्बे में आया हूं, ये जानने के लिए कि छोटे कस्बों और गांव में जहां मैं अक्सर जाता रहता हूं, आज के सियासी हालात को देखकर, मणिपुर को देखकर, इंडिया नाम पर जो विवाद है उसको लेकर, और 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की एनडीए वर्सेस इंडिया की तैयारी चल रही है उसको लेकर, गांव देहात में क्या, कस्बे में क्या चर्चा है। यहाँ निवाड़ी में कुछ लोग बैठे थे, मैंने सोचा यहीं से माहौल क्या है कि शुरुआत की जाए। ताऊ आपका नाम क्या है? राजेंद्र पाल त्यागी। आप क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ। तो क्या हाल है खेती बाड़ी का इस वक्त? यहाँ फसल सब नष्ट हो गई है, बेड़ा गर्क हो गया, कहीं सारे गांव कस्बे में पानी भर रहा है, कहीं की निकासी नहीं है, कहीं भी सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं है। बाढ़ की वजह से? हैं? बाढ़ की वजह, पानी की वजह से। मतलब सरकार को से राहत नहीं है कि नाले वाले खतवाने में, वैसे कहीं कोई नहीं है, सारे जंगल फसल सब नष्ट हो गई है। धान की? धान की ये क्या आपकी जो ज्वार जो भी फसल जो बो रखी है, बाग भी सूख जाएंगे जब इतने इतना पानी भर रहा है उनमें। तो ये पटवारी आ नहीं रहा देखने के लिए या तहसीलदार? मुझे पता चला कि पटवारी एसडीएम आए, और क्या नाम है वो यहाँ की विधायक जो हैं आए यहाँ, पर उस बाद में कोई यूँ नहीं हुआ कि कोई कहीं निकासी हुई हो। मुआवजे वाजे की बात कर रहे हैं? ना ना, या कोई मुआवजे वाजे की अभी मेरी जानकारी में से कुछ है नहीं। मेरी जानकारी में सबसे ये है कि बिल्कुल कस्बा किसान बेकार हो गया है निवाड़ी का, सारे में पानी जाके देख लो, समय कहीं निकासी नहीं है कहीं भी। उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका इस बार यमुना के पानी की वजह से भी, बाढ़ की वजह से और हिंडन नदी जो कि पहले कभी इतनी बाढ़ नहीं आई थी। आपने नोएडा की तस्वीरें देखी होंगी, एक जो पार्किंग में गाड़ियां थी सब डूब गई हैं, मैं खुद भी गया था, तो हिंडन में बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आई है। तो त्यागी जी, मैं तो आया हूँ जानने के लिए, यह जो मणिपुर को लेके हल्ला गुल्ला हो रहा है, आपको कुछ मालूम है? वो हल्ला गुल्ला कहाँ में, ये तो इनकी नेताओं की पार्टी बाजी है, वे उसे बता दें, वे उसे बता दें दूसरे को, है जी, वे न्यू कह रहे हैं अत्याचार हो रहा, फलाना रहा, वे न्यू कह रहे हैं वे करूँगा। अरे भाई, इनका तो अपना पार्टी बाजी का वो धंधा जी। तो ये मोदी जी मणिपुर पे बोल भी तो नहीं रहे? अभी मोदी जी का पता नहीं, रोज हम तो टीवी में देखे हैं, लोग न्यू कहें जी मोदी जी बयान नहीं दे रहे, मोदी जी बयान नहीं दे रहे। अभी तो मोदी जी पता क्यों ना दे रहे, क्या बात है? आपको क्या लगता है किस चीज के बारे में? अच्छा, ये इंडिया नाम जो रख लिया, वह इंडिया का तो अपना विपक्षी दल जो है, इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, उसको हेड में उसका नाम अपना इंडिया दल रख दिया, और उसकी जानकारी तो उन्होंने क्यों रखा, किस वजह से रखा, क्या बात है ज्यादा। ये रखने से बीजेपी बेचैन हुई लगती है? हाँ, ये दोनों पार्टी बेचैन है। कौन कौन? मतलब बीजेपी वर्सेज विपक्ष, दोनों बेचैन है। हाँ, बेचैनी है जी, नाम पर वे न्यू कहें ये ऐसे, वे उस पर चार्ज लगावे, वे उस पर चार्ज लगावे। अच्छा, एक बात त्यागी जी, आप ये बताओ कि 2000, त्यागी जी लोग तो ज्यादातर बीजेपी के साथ रहे, तो 2014 2019 में जो मोदी जी का ग्राफ था वो इस साल के कम हो रहा है या बढ़ रहा है या जहाँ है वहीं है? जी, मोदी जी के बारे में अगर मेरे से जानकारी करें तो मोदी तो जी तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ क्षेत्र का जो प्रशासन है वो बेकार है, वो मोदी जी को बदनाम कर रहा है। पानी की निकासी ना होनी, ये ऐसी बात किसानों को, ये त्यागी गाँव में सारी बात, जब त्यागी वहाँ बर्बाद हो जाएंगे तो वो किसे राय देंगे? नहीं, मोटे तौर पे देखने में आपको क्या लगता है? चलो इस बार बाढ़ आ गई, किसान को लगा मोदी, तो आसपास के गांव भी तो हैं, उनमें निकासी है, इस कस्बे में निकासी नहीं है, और जो मैं गलत कह रहा हूँ तो ये सब बैठे हैं वही लोग। अरे, हम कहाँ राष्ट्रीय समस्या की बात कर रहे हैं, आप ले जाके कस्बे में भिड़ा दे रहे पानी में। अरे, प्रधानमंत्री की लड़ाई की बात कर रहा हूँ मैं त्यागी जी। प्रधानमंत्री तो ठीक है खुद, पर ही प्रशासन तो बदनाम कर रहा है प्रधानमंत्री को। जब काम नहीं होंगे क्षेत्र, जब काम नहीं होंगे क्षेत्र में, भले किसकी मदद नहीं होगी, पानी की निकासी नहीं होगी, शासन किसका है, तो पढ़े लिखे आदमी भी जानेंगे भाई इसमें नुकसान है,
इसमें विपक्ष का तो कोई नुकसान है ही ना। हाँ, सत्ता पक्ष का। आपका नाम क्या है? मोहित गर्ग। आप क्या करते हैं गर्ग? मैं जॉब करता हूँ। तो मैं जो सवाल ये इंडिया नाम को लेकर बीजेपी के नेता जो अलग अलग तरह का बयान देंगे, मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन और क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको लगता है ये बेचैन होकर या परेशान होकर बोल रहे हैं या चिढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है? नहीं, बेचैनी तो है, जब भी तो उन्होंने ये चीज़ बोली है। लेकिन एक बात है, जब से मोदी जी ने ये चीज़ बोली है कि इंडियन मुजाहिदीन ईस्ट इंडिया, तब से विपक्ष भी बेचैन है। उनको भी समझ में आया कि अब उनको, जब तो लगा नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है इंडिया नाम रखने से, पर उनको अब समझ में आया कि इंडिया नाम से ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि पब्लिक आपको वोट दे देगी। हाँ, इंडिया नाम रख देने से इंडिया थोड़ी है आप, इंडिया के थोड़ी ना हो गया। तो चैनलों के भी नाम इंडिया है, कंपनियों के नाम भी इंडिया है, बहुत चीज इंडिया है। हाँ, तो वही चीज़ है ना कि आपने नाम इंडिया रख लिया है, आप बाद में बोलोगे अगर हम हार गए तो इंडिया हार गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसे तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फिर जाती ही नहीं यहाँ से, वो भी तो इंडिया ही थी, वो भी इंडिया उन्होंने भी रखा था अपने नाम के अंदर।